हे गाइस वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज देखो गाइस मैं दो बहुत ही बड़ी बड़ी आरसी कार्स के बीच में फाइट कराने वाला हूँ। ये है अपनी बैट मोबाइल आरसी कार। इसका साइज है बहुत ही ज्यादा बड़ा। इसको मैंने खरीदा था 7,000 रुपीज में। अपनी दूसरी वाली कार है स्पाइडरमैन डॉट चार्जर डेटोना आरसी कार। इसका प्राइस है 10,000 रुपीज। इसका भी साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो चलो दोस्तों फटाफट से करते हैं अनबॉक्सिंग। देखते हैं आज बैटमैन कार जीत पाती है या फिर स्पाइडरमैन कार। लेट्स स्टार्ट। दोनों ही कार्स के बॉक्सेस मैं आपको बताऊं तो ये दोनों ही कार्स जो है जाडा कंपनी की तरफ से आ जाते हैं। दोनों ही कार जो है पूरी तरीके से 4x4 है। फटाफट से अभी अपन पहले अनबॉक्स करते हैं स्पाइडरमैन कार को। यहां से मैं इसको निकाल देता हूं। दोस्तों अगर आप ये कार खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। लेफ्ट साइड में आपको नीचे की तरफ एक बैग दिखाई देगा। बैक पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको इसका बाय लिंक मिल जाएगा। ये आ गई अपनी स्पाइडर मैन कार। गाइस इसका साइज तो देखो यार कितनी ज्यादा बड़ी है ये भाई, एकदम ह्यूमंगस साइज है इसका। दोस्तों ये है इसका रिमोट। अभी अनबॉक्स करते हैं बैटमैन बैट मोबाइल आरसी कार को। इसको मैं यहां से निकाल देता हूं। आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया है तो यार फटाफट से लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब कर दे। ये आ गई दोस्तों अपनी बैटमैन बैट मोबाइल आरसी कार। इसका भी साइज देखो यार कितना ज्यादा बड़ा दिया गया है। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर। अगर मैं दोनों का साइज बताऊं तो गाइस दोनों का साइज देखो बिल्कुल सेम टू सेम है। सामने से भी, पीछे से भी, साइड से भी और ऊपर से भी दोनों की हाइट जो है बिल्कुल सेम टू सेम ही नजर आ रही है। तो यहाँ पर देखो गाइस लुक्स के मामले में अपनी जो बैटमैन कार है ना भाई एकदम खतरनाक और बहुत ही ज्यादा डेंजर नजर आती है क्योंकि इसके ऊपर देखो गाइस इतने सारे गन्स लगा रखे हैं लोगों ने। यहाँ पर गन है, यहाँ पर गन है, यहाँ पर गन है। सामने देखो भाई इतने खतरनाक कांटेदार रॉकेट्स भी दे रखे हैं। वहीं अपनी स्पाइडरमैन आरसी कार देखो भाई एकदम सिंपल, एकदम प्लेन, एकदम कूल दिखाई देती है। जस्ट यहाँ पर इन लोगों ने एक स्पाइडर का सिंबल दिया हुआ है और स्पाइडरमैन का जैसा ड्रेस होता है उसी तरह से इन लोगों ने पूरी इसकी बॉडी को डिजाइन कर दिया है। बाकी दोनों के टायर्स देखो गाइस बिल्कुल, इसका भी टायर सेम है, इसका भी टायर सेम है। इसका चार्जर हम लोगों को यहीं पर ही मिल जाता है। ये देखो गाइस ये है इसका चार्जर और इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये रहा इसका चार्जर। दोनों को हम लोग यहीं से ही ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये है इसका ऑन ऑफ स्विच। यहाँ पर भी देखो गाइस ये है इसका ऑन ऑफ स्विच। बाकी सामने की तरफ देखो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वाला एंटी कोलिजन बम्पर, इसको भी है और इसको भी एंटी कोलिजन बम्पर दिया हुआ है। पीछे की तरफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस कार को पकड़ने के लिए देखो यहाँ पर एक हैंडल दिया हुआ है। नीचे की तरफ यहाँ पर मोटर है, यहाँ पर मोटर है, पूरी तरीके से 4x4 है। ये भी दिखा देता हूँ। इसको भी देखो यहाँ पर एक हैंडल दिया हुआ है कार को पकड़ने के लिए। नीचे की तरफ यहाँ पर मोटर है, यहाँ पर मोटर है। ये भी जो कार है पूरी तरीके से 4x4 है। पूरी तरीके से फेक सस्पेंशन लगाए गए हैं। इसके अंदर भी प्लास्टिक का सस्पेंशन है, इसके अंदर भी प्लास्टिक का सस्पेंशन है। देखो गाइस क्वालिटी दोनों की एकदम जबरदस्त है। यहाँ पर देखो दोनों के रिमोट्स मैंने साइड बाय साइड रख दिए हैं। दोनों रिमोट जो है बिल्कुल सेम टू सेम नजर आते हैं, स्टीयरिंग वगैरह। और यहाँ पे देखो बूस्टर का भी बटन है। इस बटन को हम जैसे ही दबाते हैं कार की स्पीड जो है भाई एकदम गजब से बढ़ जाती है। यहाँ पर भी एक बूस्टर का बटन है, यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोनों ही रिमोट जो है 2.4 GHz की टेक्नोलॉजी पर ही चलते हैं। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं स्पाइडरमैन की कार जीतेगी या फिर बैटमैन की कार। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों मैं आ चुका हूँ रोड पर, अभी कराते हैं दोनों के बीच में रेस, देखते हैं रेस में कौन सी कार जीत पाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेस दोनों के बीच में। 1, 2, 3 स्टार्ट हो चुकी है गाइस दोनों के बीच में रेस और अपनी बैटमैन कार जो है थोड़ा सा आगे चल रही है। अभी दोनों के अंदर बूस्ट का बटन दबाते हैं, देखते हैं अभी कौन सी कार स्पीड से दौड़ पाती है। ओ भाई स्पाइडरमैन की स्पीड तो देखो गाइस बहुत ज्यादा स्पीड से दौड़ रही है और भाई एकदम रॉकेट की तरह से दौड़ गई है आगे। और यहाँ पे क्लियरली बने रहे स्पाइडरमैन। वेट कैरी टेस्ट करा के देखते हैं। स्पाइडरमैन कार के ऊपर मैंने रख दी है बैटमैन कार, देखते हैं इतना वेट ये ले जा पाती है कि नहीं। ओ भाई देखो यार कितना ज्यादा इसके सस्पेंशन ऊपर नीचे हो रहे हैं पर इसने सक्सेसफुली देखो इतना ज्यादा वेट कैरी कर लिया। अभी सेम टेस्ट करते हैं बैटमैन कार के साथ। बैटमैन कार के ऊपर मैंने रख दी है स्पाइडरमैन कार और भाई ये देखो स्टार्टिंग में ले नहीं जा पा रही थी तो उसके अंदर बूस्ट का बटन दबाया तब देखो गाइस ये काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर बैटमैन का वेट जो है कैरी करके लेके जा रही है। तो यहाँ पे क्लियरली विनर है अपनी स्पाइडरमैन कार। अपनी
स्पाइडरमैन घर दो बार जीत चुकी है, अभी देखते हैं गाइस यहाँ पे होने वाली है दोनों के बीच में आमने सामने वाली फाइट। देखते हैं यहाँ पर कौन जीत पाता है, दोनों को टकराते हैं। ओ भाई जोरदार थी, धमाकेदार टक्कर थी। यहाँ पर देखो यार बैटमैन के सामने वाले व्हील्स ही नहीं घूम रहे हैं, अपनी स्पाइडरमैन देखो पूरा जोर लगा रही है। इसके सामने वाले व्हील्स काफी गजब तरीके से घूम रहे थे, अभी यार यहाँ पर देखो स्पाइडरमैन कार ने तो भाई एकदम गजब ही कर दिया, पूरी तरीके से पीछे ढकले जा रही है बैटमैन कार को। और भाई क्लियरली विनर मेरे को लग रही है अपनी स्पाइडरमैन कार, बहुत ज्यादा पावर है इसके अंदर। अभी सेम पुशबैक वाला टेस्ट करते हैं ऑफ रोड में, देखते हैं यहाँ पर कौन जीतता है। दोनों के बीच में काफी धमाकेदार टक्कर हो चुकी है, अभी देखो गाइस यहाँ पे भी लग रहा है मेरे को स्पाइडरमैन कार जीतेगी। नहीं नहीं गाइस, इसके पीछे वाले व्हील्स देखो, इसको काफी खतरनाक तरीके से ग्रिप मिल चुकी है, क्लियरली विनर है अपनी बैटमैन कार। पिछले वाले टेस्ट में तो दोनों के बीच में टाई हो चुका है, देखते हैं यहाँ पर दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर करा के अभी सही पावर का पता चलेगा कि कौन सी कार यहाँ पर जीतने वाली है गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखो गाइस दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी है। और भाई अपनी स्पाइडरमैन कार देखो यार, इसको खींचने की पूरी कोशिश कर रही है पर अपनी बैटमैन कार कुछ कम नहीं है। ओ भाई पीछे के व्हील्स को इसको वापस से ग्रिप मिल चुकी है, और भाई यहाँ पे क्लियरली विनर है अपनी बैटमैन कार। इसके अंदर भी काफी ज्यादा गजब की पावर दी गई है गाइस। अभी यहाँ पे करते हैं ऑफ रोड टेस्ट, देखते हैं ऑफ रोड में कौन सी कार काफी खतरनाक तरीके से चल पाती है। तो देखो भाई इनिशियल जो स्टार्टअप पिकअप है स्पाइडरमैन कार को काफी जबरदस्त मिल जाता है, तो स्पाइडरमैन कार काफी अच्छी तरीके से चल रही है, पीछे पीछे बैटमैन कार आ रही है। देखो यार बैटमैन कार जो है थोड़ा सा ऑफ रोड में गड्ढों में थोड़ा सा स्लो ही चलने लगती है, क्योंकि इसके सिर्फ पीछे वाले व्हील्स ही काम कर रहे हैं। जब मैंने इसको एक बार वाटर में डाला था तब से इसके सामने वाले व्हील्स काम करना बंद। तो यहाँ पर देखो बहुत ज्यादा बड़े बड़े पत्थर है, बैटमैन कार को मैं यहाँ पर चला रहा हूँ, काफी अच्छे तरीके से चल रही है। सामने एक बड़ा पत्थर है और यहाँ पर आकर ये रुक चुकी है। तो सेम टेस्ट करते हैं स्पाइडरमैन कार के साथ, देखते हैं ये बड़े पत्थरों पर से भी चल पाती है कि नहीं। तो भाई ये भी काफी बढ़िया तरीके से चल रही है और इसके सामने भी बड़ा पत्थर आ चुका है, ये भी यहाँ पर रुक चुकी है। दोस्तों अभी करते हैं दोनों के बीच में बैटरी टेस्ट, सेम टू सेम बैटरी दी गई है। यहाँ पर देखो अपनी बैटमैन कार के सिर्फ पीछे वाले व्हील्स काम कर रहे हैं, स्पाइडरमैन कार के चारों व्हील्स एक साथ काम कर रहे हैं, और स्पाइडरमैन की कार जो है सिर्फ 15 मिनट तक ही चल पाती है, वहीं अपनी बैटमैन कार अभी भी काम कर रही है और बहुत ज्यादा पावर बची हुई है इसके अंदर। दोस्तों अभी कराते हैं रैंप जंप, स्पाइडरमैन कार जंप मारने के लिए रेडी है और इसने काफी अच्छा जंप मारा है। और भाई नीचे टकराने पर देखो भाई इसका जितना भी रेजिस्टेंस है इसके शॉक एब्जॉर्बर झेल जाते हैं, रैंप जंप काफी जबरदस्त मारा है इसने। अभी रैंप जंप कराते हैं अपनी बैटमैन कार के साथ, बैटमैन कार तो दौड़े हुए आ रही है, अभी देखते हैं किस तरह का जंप मारती है। और भाई ये देखो यार ये तो सीधा उल्टा ही गिर गई रैंप जंप में, ये फेल हो चुकी है। यहाँ पे क्लियरली विनर है अपनी स्पाइडरमैन कार। अभी यहाँ पे करते हैं टफनेस टेस्ट, मैं दोनों ही कार्स को फेंकने वाला हूँ 15 मीटर ऊपर से। अभी सबसे पहले फेंकूंगा बैटमैन कार को, बैटमैन कार लैंड हो चुकी है नीचे, और भाई क्या ही टकरा रही है। ओ भाई इसका सामने वाला बम्पर देखो यार नीचे टकरा चुका है, 3 बार ये टकरा चुकी है गाइस, देखते हैं अभी ये सही सलामत बच पाई है कि नहीं। ओ भाई मेरे को तो अभी बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार, इसका सामने वाला पार्ट देखो इस तरह से हिलने लगा है, लगता है अंदर के स्क्रूज जो है पूरी तरीके से निकल चुके हैं। देखते हैं गाइस अभी ये चल पाती है कि नहीं, इसको चलाते हैं। और भाई ये काफी बढ़िया तरीके से चल रही है, अभी स्पाइडरमैन कार को फेंक के देखते हैं ऊपर से, और भाई काफी खतरनाक इसने टकराया है, 2 टक्कर हो चुकी है और ये 3री टक्कर, और भाई ये सीधा नीचे आ चुकी है, काफी अच्छी लैंडिंग भी की है इसने। स्पाइडरमैन कार साइड में बहुत ज्यादा टकराई थी, इसको साइड में छोटा सा एक डेंट भी लग चुका है। सामने की ओर देखो गाइस यहाँ पर थोड़े से स्क्रैचेस वगैरह आए हैं, बाकी इसको कुछ हुआ नहीं भाई, सामने का बम्पर वगैरह भी बिल्कुल सही सलामत है इसका। देखते हैं अभी इसको चला के सही सलामत चल पाती है कि नहीं। ओ भाई देखो काफी बढ़िया तरीके से ये चल रही है, यहाँ पे क्लियरली विनर है अपनी स्पाइडरमैन कार। दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको स्पाइडरमैन कार पसंद आई या फिर ये बैटमैन वाली कार। आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट, सबसे पहला नाम आ जाता है तहसीन, गिरीश, अभिमन्यु, सनत, नबील हबीब, एमडी मानिक, रितेश, यशवंत, नमन, सुशांत। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। बाय दोस्तों।